बिजनौर जिले के धामपुर विधायक अशोक राणा ने आज प्रियंका मॉडर्न स्कूल धामपुर में महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन करते हुए महिला को सम्मानित करने का काम किया। इस सम्मान समारोह में भारी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर हिस्सा लिया। इस सम्मान समारोह में आशा वर्कर और समूह सदस्य महिलाएं सहित आंगनबाड़ी महिलाएं शामिल हुई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज बिजनौर जिले धामपुर तहसील के बीजेपी विधायक अशोक राणा ने अपने निजी प्रियंका स्कूल आज महिलाओं को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी आशा वर्कर और समूह सदस्य महिलाएं सहित क्षेत्र की भी महिलाओं ने पहुँच कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक अशोक राणा ने महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सुरक्षा योजना की जानकारी दी। साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर महिलाएं अब किस तरीके से सुरक्षित हैं इसके बारे में भी धामपुर विधायक ने सम्मान समारोह में पहुंची महिलाओं को जागरूक करने का काम किया है। धामपुर के विधायक अशोक राणा ने बताया कि पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने अपने निजी स्कूल से आज महिलाओं को सम्मानित करते हुए उनको सम्मान देने का काम किया है। इसी अवसर पर 20,000 से अधिक महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर उनका उत्साहवर्धन किया है। इसी तरीके से वह पहले भी गरीब लड़कियों की शादी कराते रहे, आगे भी महिलाओं के सम्मान में इसी तरीके से कार्यक्रम का आयोजन होता रहेगा। ये एक्चुअली मेरे सुन के पिताजी के नाम पे मास्टर होल सिंह मेमोरियल ट्रस्ट हम लोगों ने बना रखा है, जिसमें वक्त वक्त पे हम गांव शहर की गरीब महिलाओं की सहायता करने के उद्देश्य से उनके उत्साहवर्धन के लिए तरह तरह के कार्य करते रहते हैं। चाहे गरीब बेटियों की शादी जब सरकार की तरफ से भी शुरू नहीं हुई थी, पिछले विधायक के कार्यकाल में 2007 से 2012 के बीच में मैंने इसी ट्रस्ट के माध्यम से 51 लड़कियों की शादी दो बार कराने का काम किया था। आज भी आशा बहने, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका और स्वयं सहायता समूह जो मुख्य रूप से इस प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रेरणा से और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी के नेतृत्व में जो स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं को सशक्तिकरण करने का कार्य किया जा रहा है, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उनका सम्मान बढ़ाने के लिए, उनमें एक नया जोश और अपने काम के प्रति और लगन बढ़ाने के लिए आज ये सम्मान समारोह उनका रखा गया।